Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. We have been doing Maths of class 6th NCERT. We have been continuing the chapter of Ratio and Proportion. हम Ratio and Proportion के chapter को continue कर रहे हैं. Ratio and Proportion को हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात. आज हम exercise 12.3 करने जा रहे हैं. Question number 7th is Cost of 4 dozens bananas is rupees 60. How many bananas can be purchased for rupees 12.50? So question number 7th के basis पे हमने statement लिख लिया है. Cost of 4 dozens bananas is equal to rupees 60. यानी 4 दर्जन केले की कीमत कितनी है? Rupees 60. हमें बताना है कि rupees 12.50 में हम कितने bananas purchase कर लेंगे. अगर हम किसी भी चीज को dozens के according purchase कर रहे हैं तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि वो 12 थिंग्स की कीमत है. जैसे कि यहाँ पर 4 दर्जन केले हैं, तो ये एक्चुअली में 4 दर्जन 4 केले नहीं है. हमें पता होना चाहिए one dozen is equal to 12 bananas. हमें ये पता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने होंगे? 4 dozens is equal to 4 multiply by 12 4 is 48, यानी 48 bananas. So इससे हमें ये पता चलता है कि हम 60 रुपए में 48 केले खरीद सकते हैं. हमें बताना है कि 12 रुपए 50 पैसे में हम कितने केले खरीद सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि हम 1 रुपए में कितने केले खरीद सकते हैं. So number of bananas for रुपी 1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60. इसे कैंसिल कर सकते हैं, 12 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 12 के टेबल में ये दोनों ही डिजिट्स आते हैं. 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, यानी 4 अपॉन 5. ये 4 अपॉन 5 का मतलब क्या है कि अगर हम एक बनाना को इस तरीके से, मान लीजिए ये बनाना ही है, इसके 5 पीसेस कर दें, 1 2 3 4 5. सो इसमें से हमें ये 4 पार्ट मिलेगा, 4 अपॉन 5. इसका मतलब ये है, देयरफोर नंबर ऑफ बनानास फॉर रुपीज 12.50 इज इक्वल टू ये जो 4 अपॉन 5 है इसे यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये हमें बता रहा है कि 1 रुपए में कितने केले मिलेंगे. इसी से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 को. सो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लूंगी. अब मुझे इसका पॉइंट हटाना है, मैं तभी मल्टीप्लाई या कैंसिलेशन कर सकती हूँ. सो पॉइंट हटाऊंगी तो मैं यहाँ पर 2 जीरोज लिख दूंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर 2 जीरोज होने चाहिए, यानी यहाँ पर 100 होना चाहिए. कैंसिलेशन को सिंपल करने के लिए आप पहले 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए. अब डिवाइड करते हैं. देखिए जैसे इसे मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, 5 टू जा होता है 10 और 5 टू जा 10 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 5 5 जा 25. अब इस 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. अब इस 5 से मैं इस 25 को कैंसिल कर सकती हूँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. तो अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स बचे हैं? सिर्फ एक 2 बचा हुआ है यहाँ पर, ये 2 और ये 5. 5 2 जा क्या होता है? 10. ये 10 क्या है? ये 10 है बनानास. हम रुपीज 12.50 से, यानी 12 रुपए 50 पैसे में हम 10 बनानास परचेज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? सो क्वेश्चन के बेसिस पे हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg. 72 बुक्स का जो वेट है वो है 9 kg. हमें बताना है ऐसे ही 40 बुक्स का वेट कितना होगा. तो सबसे पहले हम वेट ऑफ 1 बुक फाइंड करेंगे. 72 बुक्स का जो वेट है वो तो 9 kg है, लेकिन 1 बुक का जो वेट है वो कितना है? देयरफोर weight of 1 book is equal to 9 upon 72.
9 अपॉन 72। इस 9 को रखेंगे अपॉन के ऊपर और इस 72 को रखेंगे अपॉन के नीचे। सो 9 वन्स आर 9 और 9 एट्स आर होता है 72। ये 1 अपॉन 8 किलोग्राम क्या है? ये 1 बुक का वेट है। देयरफॉर वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू, अब हमें 40 बुक्स का बताना है। जब एक से ज्यादा का फाइंड करते हैं, कम से ज्यादा का फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 8 के टेबल में 40 कितने पे आता है? 5 पे। तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। 8 5 जा 40, 5 1 जा 5। सो आंसर है हमारा 5 किलोग्राम। ये 5 किलोग्राम क्या है? ये 40 बुक्स का वेट है। अगर ऐसी ही 40 बुक्स रखी जाए, सेम ऐसी इतने ही वेट वाली, जिसमें हर बुक का जो वेट है वो 1 अपॉन 8 हो, तो 40 बुक्स का जो वेट होगा वो हो जाएगा 5 किलोग्राम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।